साथियों, 16 फरवरी को जब आप लोग वोट डालने जाएं, तो एक और बात याद जरूर रखें, कांग्रेस और लेफ्ट, ये दोनों पार्टियां गरीबों को और गरीब बना देती हैं। ये गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारें रही है, जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारें रही, वहां गरीब ही मरता रहा, गरीब ही बर्बाद होता रहा, श्रमिक ही लूटाता गया। इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वही मौज करते रहिए, वही फलते फूलते रहे। आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल जहां भी रहे, वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है। तीसरी और एक बात, हमारे त्रिपुरा के लोग तो भलीभांति जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा? उनकी बातों में कोई विश्वास करेगा क्या? हाँ, लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूं, अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है, वाम पंथियों ने दशकों तक यहां जो कुशासन दिया है, अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है। अब ऐसे बुरे हाल, मैं अभी जब हेलीपैड पे उतरा, कुछ लोग वहां मुझे मिले, मैंने पूछा क्या है भाई चुनाव का हाल जरा बताइए, फिर मैंने पूछा माताओं बहनों का क्या है, तो एकदम से बोल पड़े, अरे साहब माताएं बहनें तो सब वोट डालने वाली। मैंने कहा क्या बात है? बोले पहले यहां माताओं बहनों का, बेटियों का जीवन बहुत मुश्किल था, अकेले घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, अत्याचार बलात्कार परेशानियां हर बेटी को सहनी पड़ती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे त्रिपुरा की बहन बेटियां माथा ऊंचा करके सम्मान के साथ जी रही है, देर रात भी घर के बाहर निकल पा रही है। और इसलिए ये जो शांति मिली है, ये जो सुख सुकून मिला है, ये हमारी बेटियों के मन में भाजपा की ताकत का आज वो झंडा लेकर के निकल पड़ी है। और इसलिए बोले आज पूरा त्रिपुरा की माताएं बहनें, शांति मिली है उसके कारण, सुरक्षा मिली है उसके कारण, भाजपा को पूरी तरह से समर्थन करने वाली है। भाइयों बहनों, ये जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के लिए हमारे विरोधी वोटों को बिखरना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, और छोटी मोटी वोट कटाऊ पार्टियां भी मैदान में आकर के सपने देख रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमें हमारी कीमत मिलेगी। भाइयों बहनों,
एक खरीद बिक्री के सपने लेकर के जो निकले पड़े हैं ना, उनको तो अभी से ही घर में बंद कर दो, उनको कभी चुनाव जीतने ही मत देना। मैं तो आपसे यही करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों को जिताना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को देखना है। त्रिपुरा के विकास को चुनना है। त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार को चुनना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।